Hello lovely students, today we will start the chemistry subject lecture 1. So listen carefully and see here. Let's begin. हाँ तो बच्चों देखिए, मैंने इस बोर्ड पर आज जो मुझे जो भी पढ़ाना है, अपना जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उन सभी को मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए लिख के रखा हुआ है. आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बाद में जूम करके इसको वन बाय वन देखते चलेंगे. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. यदि ये टर्म्स आपको फर्स्ट डे से ही क्लियर हो जाते हैं तो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स एक खेल लगने लगेगा. ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए और आइए मेरे साथ वन बाय वन हम सारे टर्म्स को क्लियरली समझेंगे. देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हो मैंने कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम लिख रखे हैं. वो इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने क्या कहा था. आप लोगों ने बहुत पहले 9-10 से ही दो टर्म्स पढ़े होंगे, एटम और मॉलिक्यूल. ठीक है, आज मैं वापस रिकैप करती हूँ कि देखिए एटम होता क्या है. एटम मींस सबसे पहले 1400 में, देखिए ये लेज़र पॉइंट जहाँ पर भी जा रहा है आप उधर पे कंसंट्रेट करेंगे. 1400 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, नाम था महर्षि कणाद. इन्होंने कहा था एटम जो है वो एक टाइनी पार्टिकल है, मींस सबसे सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी वो एटम होगी. ये बात कही गई थी सबसे पहले महर्षि कणाद से और 1400 में. क्लियर, इसके बाद काफ़ी साल तक ये थ्योरी चलती रही कि हाँ एक छोटा पार्टिकल है जो एटम कहलाएगा. क्लियर, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में किससे मिलकर के बनी है, एटम से. उसके बाद डे बाय डे 1808 तक ये वाली थ्योरी जो थी वो वैलिड थी. ठीक है, लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे. उसके बाद और ज़्यादा इसमें डिस्कवरीज होती गई, लोगों का ध्यान जाने लगा. बाद में डॉल्टन ने कहा 1808 में, देखिए कहा तो बहुत कुछ था इन्होंने, लेकिन मैं एक जो एक्सट्रैक्टेड लाइन है वो सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि ये 9-10 की बातें हैं, आपको सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए. देखिए, फिर डॉल्टन ने कहा कि ठीक है एटम जो है वो टाइनी पार्टिकल है, लेकिन एटम इज़ अनकटेबल, मीन्स आप उसको नहीं काट सकते हो, इतना छोटा होता है वो. ठीक है, ये थ्योरी भी वैलिड हो गई. ओके, इसके बाद कई साइंटिस्ट और आते गए, जैसे मैं आपके नाम लिख रही हूँ, जैसे रदरफोर्ड थे, मेन साइंटिस्ट बता रही हूँ, रदरफोर्ड्स, बोहर्स एंड चैडविक. इन्होंने क्या कहा कि एटम जो है वो टाइनी पार्टिकल है, ठीक है, अनकटेबल भी ठीक है, लेकिन हर चीज़ कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ से तो बनी होती है. तो जो एटम होगा वो किससे मिलकर के बना है, ये बन सकता है एटम इज मेड अप बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये बात उन्होंने कही थी 1833 में. इलेक्ट्रॉन का सिंबल आप स्मॉल ई और ऊपर माइनस चार्ज से शो करोगे, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी होती है वो, या चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है. ठीक है, फिर प्रोटॉन, पी मीन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन के चार्ज जो होंगे वो होंगे पॉजिटिव. और तीसरा पार्टिकल जो मेन है वो होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, तो इस तरह से रदरफोर्ड, बोहर और चैडविक ने बताया 1833 में कि एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके बनता है. देखिए, ये जो स्क्वायर है इसमें मैंने एक बताने की कोशिश की है कि ये कोई एटम है. ठीक है, इसमें ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मीन्स उसका सेंटर कोर जो है, ठीक है, वो बनता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से. ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये दोनों उसके न्यूक्लियस में होते हैं, अंदर होते हैं. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के सम को ही हम एटॉमिक वेट बोलेंगे. और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लासेस होती है. यहाँ पर मैंने इसको पूरी क्लास न बना करके ऐसे आधा सर्कल बनाया. आप एज्यूम करिए कि ये फुल क्लास है, ये फुल क्लास है. तो ऐसी कई क्लासेस होती हैं, और इन क्लासेस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो इस तरह से मूव करते रहते हैं. ये बात क्लियर हुई बच्चों? तो न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, जिसको आप एटॉमिक वेट बोलोगे. और इसके जो चारों तरफ हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक
नंबर कहलाएगा, जिसको आप कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए अब यहाँ आ जाइए, ये कुछ बातें आप याद रखना कि यदि किसी एटम का मास प्रोटॉन का आपको पता हो तो उतना ही न्यूट्रॉन का भी मास होगा। जितने प्रोटॉन के नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन के भी नंबर होंगे, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर। एक बात और ध्यान में रखना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के कंपेयर में बहुत कम होता है। देखिए वेरी 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 लेस। क्लियर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यदि इलेक्ट्रॉन यदि चींटी है तो प्रोटॉन क्या होगा, एक हाथी होगा, इतना फर्क होता है। समझ आई बात। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन के मास से, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये जो बात थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बताने की, ये जो साइंटिस्ट थे, तरीके से आप कभी ऑब्जेक्टिव में आए तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने। कब की थी, 1897 में। प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई, 1886 में गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई चैडविक से, 1932 में की थी उन्होंने। इसके बाद न्यूक्लियस, ये जो बताया हमने अभी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के न्यूक्लियस बनता है और हर एटम के सेंटर में होता ही है, वो न्यूक्लियस डिस्कवरी करने वाले कौन थे, रदरफोर्ड थे। तो ये आप साइंटिस्ट नेम याद रखेंगे, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। तो ये थी बहुत बेसिक बातें जो 9th-10th में ज़रूरी थी। अब इसके बाद आइए, कुछ टर्म्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, एक एक करके बताऊंगी। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। इसके बाद इस तरफ आ जाओ, हाफ वुड, एलोट्रॉप्स, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटर, अपना आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर, आइसोटर और आइसोडाइवर्स। ये सब नाम्स जो होते हैं वो एक जैसे ही सुनने में लगते हैं, लेकिन सभी की मीनिंग अलग है, ध्यान देंगे हम।